अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेट टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम शार्क यूएसबी वायरलेस लैन अडाप्टर का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने यूएसबी को अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद आप इसका ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिएगा। ड्राइवर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, इसको कनेक्ट करने के बाद आप जिस पी सी में जाएंगे, जिस पी सी में आने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करेंगे। डिवाइस मैनेजर के में आने के बाद आपको नीचे अदर डिवाइस में रिमोट डाउनलोड वायरलेस अडाप्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद आप नीचे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर, आप इसमें आएंगे। इसमें आने के बाद आप हैव अ डिस्क करेंगे। हैव अ डिस्क करने के बाद आपने वो ड्राइवर डाउनलोड करके जहाँ भी रखा है वहाँ पे जाएंगे। जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा, मैं डेस्कटॉप में आऊँगा। यहाँ पे ये शार्क का फोल्डर है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करके फाइल पे से ओपन कर लूँगा। इसके बाद मैं इसे ओके करूँगा और इसके बाद आपके पास सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, लिंकसिस AE1200 एंड लिंकसिस AE2500। आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे AE2500 पे और इसके बाद नेक्स्ट आप यस पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपका ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब ये देखें, यहाँ ये जो इसका अपना वाईफाई है, ये नीचे वाला वाईफाई 2 है, ये इस यूएसबी का वाईफाई जो यूएसबी पे चल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।